हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बेबी गर्ल ड्रेस। इसमें हमने स्कर्ट और टॉप बनाया है, जिसके लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये मैंने जो पहले नाइट ड्रेस बनाई थी उसी का बचा हुआ फैब्रिक है। इसकी लेंथ और विड्थ 29 इंच है। सबसे पहले हम इसकी टॉप की कटिंग करेंगे, जिसकी फुल लेंथ हमारी 10 इंच रहेगी। ऊपर हम 3 इंच का कपड़ा छोड़कर शोल्डर के निशान 4 इंच पर लगाएंगे और नीचे की साइड आर्मोल हम 2 इंच रखेंगे। ऊपर हम 3 इंच की पट्टी लगाएंगे। पूरा आर्मोल 5 इंच का होगा। साइड से हमारा कपड़ा ये पूरा है तो इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, इसे पूरा ले लेंगे। नीचे से हमारा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसे काट लेंगे। नीचे हम इसमें 2 इंच का फ्रिल लगाएंगे। ये हमारा रेडी टॉप 10 इंच का हो जाएगा। अब हम आर्मोल की शेप दे लेंगे। हम दोनों आगे पीछे की सेम शेप देंगे। साइड से हम थोड़ा कपड़ा काट देंगे, बाकी हमारा ये फुल है। ये 2 इंच की हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। अब हम इसकी स्कर्ट की भी कटिंग करेंगे। जो हमारा बाकी का बचा कपड़ा था उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। स्कर्ट की लेंथ भी हम 10 इंच ही रखेंगे, इसलिए हम 2 इंच इसमें फोल्डिंग का ऐड करके 12 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी स्कर्ट का कपड़ा भी कट गया है इस तरह से। अभी हम पहले टॉप की स्टिचिंग करते हैं, बाद में हम स्कर्ट बनाएंगे। टॉप की हमने ये ऊपर की पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, जो कि 6 इंच की हैं। डबल फोल्ड होने के बाद में ये 3 इंच की हो जाएगी। इस पट्टी के दोनों साइड हम एक सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों शोल्डर की पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। पर हम दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे की जो फ्रिल है हम उसको भी बना लेंगे। जितनी हमारी टॉप की विड्थ है उतनी हम फ्रिल बना लेंगे। इस पट्टी को हमने एक साइड से फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से हम 2 पट्टियाँ फ्रिल की तैयार कर लेंगे। अब हम टॉप के फ्रंट पीस में डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हम एक फोल्डेड पट्टी को टॉप के सेंटर से सिलाई कर देंगे। ऐसे ही हम इस पर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके बीच में 2-2 इंच पर ये वाइट बीट्स लगा देंगे। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। ये ना ही बेबी को चुभेगा और कंफर्टेबल रहेगा। इसी तरह से हमने पूरे पे लगा लिया है। नीचे की साइड हम फ्रिल लगाएंगे, उसके बाद हम सेंटर में एक बीट्स लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी फ्रिल नीचे की साइड अच्छे से सेट हो जाएंगी और ये पक्का भी हो जाएगा। अब हम इसमें नीचे की साइड एक और बीट्स ऐड कर लेंगे, जो कि हम सिलाई से पहले नहीं लगा सकते थे। बैक साइड में भी हम फ्रिल को ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पीस भी रेडी है। अब हम इसमें ऊपर की साइड पट्टियाँ लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर हम पट्टियाँ लगाएंगे। शोल्डर की पट्टी रखकर उसके ऊपर से हम एक सिंपल पट्टी रखेंगे, जिससे हमें अंदर फोल्ड करने में
इजी रहेगा। ये हमारी किनारी वाली पट्टी है जिसको हमें डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। हमने दोनों साइड इसी तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। हम पहले शोल्डर को फोल्ड करते हैं आर्म होल में, सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी पर भी सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस पट्टी को लगाने से कपड़े में फिनिशिंग भी आती है। ऐसे ही हम फ्रंट साइड में भी पट्टियाँ लगा लेंगे। फ्रंट साइड का आर्म होल को भी हम फोल्ड कर लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने बैक साइड वाले पीस में फोल्ड किया था। अब हम इसमें साइड की फिटिंग लगा लेंगे। साइड की फिटिंग हम वही हाफ हाफ इंच छोड़कर लगा लेंगे। आप इसे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसको हम डबल सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे फिटिंग डाल लेंगे। हमारा टॉप बनकर रेडी है। अब हम स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। स्कर्ट के लिए हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा काटा है। हम इसमें कोई फ्रिल या प्लेट्स नहीं लगाएंगे। सिंपली हम अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। ये बहुत ही सिंपल तरीके से स्कर्ट बनती है। छोटे बेबी के लिए ये काफ़ी कम्फर्टेबल होती है। इसको हम पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को डाल लेंगे। अब हम दोनों साइड से इलास्टिक को सिल लेंगे जिससे कि वो खिसके ना। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही इलास्टिक को सिल लेंगे। अब हम एक सिलाई इलास्टिक के बीच से लगा लेंगे। इससे इलास्टिक सेट हो जाती है। ये ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ही सिंपल स्कर्ट बनकर रेडी होगी। ये हमारी इलास्टिक सेट हो गई है। अब हम इसमें जो ये जोड़ है ये हमारा पीछे की साइड आएगा, इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम 2 इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई को रोक देंगे जिसको हम फोल्ड करेंगे। अभी हम इस सिलाई को भी पक्का कर लेंगे। हमने इसके लिए भी एक फ्रिल पट्टी तैयार कर ली है जिसको हम इस कट से लगाना शुरू करेंगे। फ्रिल पट्टी को पूरा लगाने के बाद अब हम इस पर भी एक ऊपर से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे।
हमारी ऊपर से सिलाई भी लग गई है। अब जो हमारा ये कट है इसको हम फोल्ड कर देंगे। इससे स्कर्ट का लुक थोड़ा स्मार्ट लगता है। आप देख सकते हैं ये हमारी स्कर्ट भी बनकर रेडी हो गई है। इसकी सिलाई में हमें मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा होगा और घर पर ही हमने एक बेबी गर्ल की क्यूट सी ड्रेस रेडी कर ली है। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।